वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मोबाइल की जिद पर अड़े हुए बालक
बिट्टू के साथ किस तरह साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया है और किस तरह उन्हें उसका फल मिला है। दोस्तों, मोबाइल कल्चर की इस फिल्म में माता का रोल अदा किया है जानी मानी युवा अदाकारा सुश्री प्रियंका खांट मालसवाड़ा ने। इसमें पिता का किरदार निभाया है उदयपुर के मिस्टर समीर जादवा ने और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को अपने शिक्षण में शामिल करने वाली शख्सियत श्रीमती पल्लवी वशिष्ठ मासवाड़ा ने स्कूल टीचर का रोल निभाया है। और इस कहानी का जो केंद्रीय पात्र है पिट्टू, उसका रोल अदा किया है मासवाड़ा के ही अथर्व पुरोहित ने। मित्रों, जो जो कहानी आगे बढ़ती जाती है और एक कंक्लूजन हमारे सामने आता है, हम महसूस करते हैं क्या आज भी पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र हैं, पुस्तकालय आज भी आस्था के केंद्र हैं। शिद्दत के साथ इस निष्कर्ष को उभारा गया है युवा कोरियोग्राफर कपिल वशिष्ठ द्वारा निर्देशित फिल्म मोबाइल कल्चर में। मित्रों, अंत में फिर बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारकबाद इस फिल्म से जुड़े सभी कलाकारों के लिए, इसके कहानीकार के लिए और इसके युवा निदेशक कपिल वशिष्ठ के लिए। आइए देखते हैं। पापा, मुझे मोबाइल चाहिए। बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी क्या करोगे मोबाइल का? मेरे सारा दोस्तों के पास मोबाइल है, मेरे पास ही नहीं है। मैं स्कूल से घर आने के बाद बोर हो जाता हूँ और शाम को जब आप आते हो मैं आपके मोबाइल में खेलता हूँ तो आप मुझे डांट देते हो ये कह कर कि मेरे को ऑफिस का काम है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ, मैं दिन भर बोर हो जाता हूँ और घर पे आने के बाद भी आप ऑफिस का ही काम करते रहते हो, ना ही कहीं मुझे खेलने भेजते हो और ना ही कोई क्लब ज्वाइन कराते हो, अब मैं क्या करूँ? आज तुम किस तरह की बात कर रहे हो बेटा? कोई अपने पापा से इस तरह से बात करता है? कहीं ना कहीं अकेलेपन का शिकार हो रहा है हमारा बेटा, और सही भी तो है, आजकल बच्चों को फुर्सत ही कहाँ मिलती है पढ़ाई लिखाई से, ना ही कोई ऐसी सुरक्षित जगह है जहां वो खेलने जा सके, और ले देकर मोबाइल ही बजता है जिसमें वो अपना टाइम स्पेंड कर सके। और ये बात हमारे बच्चे की ही नहीं है, उसके जैसे और भी कई बच्चे हैं जिनकी ये प्रॉब्लम है। मैं समझ सकता हूँ विदी, आपको तो पता ही है आजकल स्कूल्स में ऐसे प्रोजेक्ट चलने लग गए हैं जिसमें इंटरनेट का यूज करना ही पड़ता है, और मोबाइल और कंप्यूटर इतने इम्पोर्टेंट हो गए हैं लाइफ में कि इसका जितना बेनिफिट मिल रहा है उतना ही नुकसान उठा रहे हैं लोग, पर हर चीज की एक लिमिट होती है। पर कोई रास्ता तो निकालना होगा ना जिससे उसका अकेलापन दूर हो सके और कोई ऐसा कार्य कर सके जो उसे पसंद हो। हाँ, सोचते हैं कुछ। जाओ, नाश्ता तैयार है। जी पापा, आपने बुलाया? हाँ, आओ नाश्ता कर लो, देखो मम्मी ने क्या बनाया। अरे, ये तो तुम्हारी पसंद की चीज है। ये किस बात पर हंस रहे हो तुम दोनों? बेटा, तुम तो इतने प्यारे बच्चे हो, फिर मोबाइल की जिद क्यों? पापा, मेरे हर दोस्त के पास मोबाइल है, वो कहते हैं इनमें नई नई गेम आती है और वो होमवर्क भी एक दूसरे से व्हाट्सएप शेयर कर लेते हैं, और ये है ना, गूगल से जरूरत पड़ने पर नोट्स भी बना लेते हैं, हैंडी होने से आसानी हो जाती है। ओके, ठीक है, आप अपने दोस्तों के नंबर लेके आ जाना और अपनी मम्मी के फोन में सेव कर लेना। ओके, यस, थैंक यू।
बेटा मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, साथ चलोगे? पापा मेरे लिए वहाँ पर बुक्स होंगी। हाँ क्यों नहीं, चलोगे? हाँ पापा, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। मम्मी पता है आज तो मैडम रिजल्ट दिखाएगी, चार्टर्ड और चार्टर्ड गेम खिलाएगी। ओ फिर तो आज तो बिट्टू के मजे हैं। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। तो तैयार हो बच्चों रिजल्ट्स के लिए? Yes, पहले मुझे ये बताओ किस किस के पास मोबाइल है और उसमें कौन कौन कितनी देर मोबाइल में गेम खेलता है, चैटिंग करता है। झूठ मत बोलना, सब सच बताएंगे, ठीक है? मैं क्विज खेलता हूँ, मैं मॉरल स्टोरीज देखती हूँ, मैं भी स्टोरी रीड करता हूँ, मैं गूगल पे नई नई इन्फॉर्मेशन सर्च करती हूँ। तुम कुछ नहीं कहोगे अथर्व? और वो बच्चे खड़े हो जाओ जिनके मार्क्स कम आए हैं। बच्चों मोबाइल चलाना कोई बात नहीं, पर उसका कितना उपयोग करना ये हमें तय करना होगा। मैं जानती हूँ मोबाइल और कंप्यूटर आने से बहुत सारी चीजें आसान हो गई, जैसे सर्च किया, नोट्स ले लिया, पर सारा दिन कंप्यूटर और मोबाइल में गेम्स खेलने से, रीडिंग करने से, होमवर्क शेयर करने से हमारी आंखें कमजोर हो गई।
क्या नहीं है, जो मैम ने पढ़ाया है उसमें से क्या सही है क्या नहीं है। और अगर हम मोबाइल में कंप्यूटर से अगर नोट्स करते हैं तो तुमने प्रिंट आउट निकाला और हो गया। जो हम कंप्यूटर और मोबाइल में पढ़ते हैं वो हमें याद नहीं है। किताब पढ़ते तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन पूरा किताब पर होता है और हमारी रीडिंग हैबिट भी बढ़ती है। मम्मी मैं आज क्लास में सेकंड आया, ऐसा मैम कह रही थी। मैम ने कहा रीडिंग हैबिट बढ़ानी चाहिए। मैंने उनको बता दिया मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की और उन्होंने मुझे सबके सामने शाबाशी भी दी। आज मैं बहुत खुश हूँ। वाओ वेरी गुड बच्चा। बेटा ये देखो, ये तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए। अरे वाह, अब तो मेरे पास मम्मी का मोबाइल भी है और ये लैपटॉप भी है और साथ में लाइब्रेरी की किताबें तो है। काम के साथ साथ वो अपने बच्चे पे ध्यान दे ताकि आप उनकी फीलिंग समझ पाओ कि वो क्या चाहते हैं।